We're going to Babari Castle today to keep food for the Babari Castle. Let's go. It's langar, beta. Hi. So very tall. So yeah, we need to just go in the car. So don't even let us be fixed. Everyone is so lovely. And yes, bacha. We are going to Babari Castle. We are going to Gurdwara, okay? Oh, I know everyone was like, we are channels and we're going to Babari Castle. Hello everyone, welcome back to my channel. और बस अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने। सारे ही बीमार हैं, मैं तो शानी और अद्वित, हम सारे ही बीमार हैं। फिर भी थोड़ा सा आज अच्छा फील हो रहा तो सोचा चलो मत्था टेक के आते हैं, थोड़ी बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी, बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले हैं। तो शानी आप लोगों को सारी बिल्डिंग दिखाना चाहती है जो रोड साइड है। एट होम स्टोर। क्या कह रहा है मेरा बेटा? Are you happy? यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे गुरुद्वारा साहब हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत है और उसमें सिख पॉपुलेशन तो बहुत ही है। 20 दिन के अंदर आपको यहाँ बहुत सारे गुरुद्वारा साहब मिल जाएंगे। वहाँ हर कम्युनिटी से लोग आते हैं और एक बार अगर आप अंदर जब आप वहाँ पे एंटर कर जाते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप अमेरिका में हो, वहाँ ऐसा ही लगता है कि हम इंडिया में ही हैं। ये है गुरुद्वारा साहब। According to Toshani, Babari Castle. ये निशान साहब है। अभी भी लोग जा रहे हैं ऐसे तो। Oh, you know it's 5200. अभी तोशानी कैसल कहती है क्योंकि ये कैसल जैसे ही दिखता है बाहर से, पूरा बहुत बड़ा, अंदर से भी बहुत सुंदर बहुत। अभी तो पार्किंग मिल जाएगी क्योंकि अभी हम 1:30 हो गया है हमें। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 10-11 o'clock तक आओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है पार्किंग ढूंढना भी, जबकि पार्किंग बहुत बड़ी है। तो एंट्रेंस है, यहाँ से भी है पार्किंग की एंट्रेंस। वाहु जी गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगै आए, जमण वरना मिट गया, काल का किछ ना बसाय, सब कालक दागा दाग। आए थे मत्था टेकने, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। आके वो हमेशा ही लगता है, यहाँ एक सुकून सा मिलता है आके। और ये लोग तो पूरे एक्साइटेड हैं, अभी इन्हें घूमने भी जाना है। सो फार आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। पहले हम गुरुद्वारा साहब गए, वहाँ हमने मत्था टेका और आज हम ऐसे टाइम पे गए कि जैसे ही हमने मत्था टेका उसके तुरंत बाद से वहाँ अरदास शुरू होगी, तो हमने अरदास में भी हिस्सा लिया और जो कि बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम लंगर हॉल गए, लंगर छका और अब वहाँ से निकल कर हम जा रहे हैं तोशानी की फेवरेट अनिका दीदी के घर। हमारे वो गेस्ट जो कल हमारे घर आने वाले थे और उन्हें लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा। ये सामने जो स्काई स्क्रैपर्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेल्व्यू डाउनटाउन है। बेल्व्यू डाउनटाउन तोशानी और अद्वित की जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर है, डेवलप्ड शहर है, हाईटेक सिटी है। आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सपीडिया का हेडक्वार्टर, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, बहुत सारी अमेजोन भी आ गया है। अमेजोन भी अब यहीं आने वाला है। स्काई स्क्रैपर नए बनते दिख रहे हैं अमेजोन। ये ब्रिज पार करते ही राइट साइड पे जो बिल्डिंग दिखाई देगी, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है ओवरलेक हॉस्पिटल। ये ओवरलेक चाइल्ड बर्थ सेंटर है। आदित्य और तोशानी दोनों का बर्थ इसी बिल्डिंग में हुआ है। शुरू हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड ऑफिस है उसका एरिया। सारी बिल्डिंग्स, बीच में दो चार छोटी बिल्डिंग्स को छोड़ के बाकी सारा माइक्रोसॉफ्ट का है। ये जो बीच में छोटी सी बिल्डिंग्स आपको सब दिखाई दे रही है, सारे के सारे वेंडर्स हैं। वेंडर्स उन कंपनीज को कहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए या T-Mobile के लिए यहाँ काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया की कंपनीज भी देख लें तो टेक महिंद्रा, TCS, ये सब उनके लिए काम करते हैं। तो वो सामने माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग 5020 दिखाई दे रही है। हम लोग अनिका के घर पहुँच चुके हैं। पार्क में गाड़ी पार्क हो गई है। अब सारी सवारी चल रही है क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए हम जल्दी में है। और ये यहाँ का लीजिंग ऑफिस है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है ये। यहाँ एटलीस्ट 200 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स होंगे और मोस्ट ऑफ रेजिडेंट यहाँ के इंडियंस हैं। ये सामने पूरा माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस दूर तक पेड़ों में छुपा। यहाँ का स्विमिंग पूल जो साल में 8 महीने बंद रहता है। ये हमारा इस बार का वीकेंड था जिसमें हम गुरुद्वारा साहब मत्था देखने गए और बेलव्यू डाउनटाउन घूम के भी आ गए। शॉर्ट ट्रिप पे गए, बच्चों ने बहुत ही मज़े किए वहाँ पे और हमें भी अच्छा लगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।